तो दोस्तों अब देहरादून का अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अब हम देहरादून से जा रहे हैं अपने हरिद्वार, हरिद्वार से जाएंगे कोटद्वार। कोटद्वार से फिर आपको पता ही है सतपुरी का सफर है मेरा, अरे कोटद्वार का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम तो हर जगह ऐसे करते हो। हाँ, ये मेरी मम्मी आ गई। और क्या सिखाते रहना आपके स्कूल में? मैं स्कूल में मैथ्री आप ले लो और वीडियो बनाते हैं ना। ओपन क्लोज नैनो रोकी हुई है बाज हेडर बाज हाँ, तेरी दादी किशोर को प्यार करे तो कुछ पसंद नहीं है ना, है ना, है ना? अरे उसकी मार रही है। क्या बना रहे हो आपको, क्या कर रहे हैं आप? क्या बना रहे हो मेरे लिए? हैं? हैं? थैंक यू। ये मैगी बनाई मम्मी ने। मेरी भाभी साड़ी पहन के, ये भाभी ने नई साड़ी मंगाई है, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही साड़ी। ये मैंने लहसुन का पाउडर बनाया और आप लोग भी बना सकते हो, बहुत आसान है इसका पाउडर बनाना। हाँ बताइए ये कैसे देख कैसे बनाया मैं आपने पाउडर? बस इसको क्या करना है कि थोड़ा मोटा मोटा थोड़ा इसको कूट देना है। किसको? लहसुन को। हाँ, पहले लहसुन लेना है। हाँ, लहसुन की थोड़ी देर बंद कर, पहले साबुत लहसुन लेना है और उसको धोना है। इसको धोना है थोड़ा बहुत, उसका पानी सूख जाए, फिर उसको दरदरा कूटना है थोड़ा, फिर उसको सुखा देना है, तीन चार दिन तक सूख जाएगा वो। उसके बाद उसका पाउडर बनाना है बारीक करके, तो उसके बाद ये सारा पीस फांसी उससे पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी लहसुन का, अपने घर में भी इस तरीके से आप अपने घर में भी लहसुन का पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी खाने में, किसी भी खाने और ये सबसे लाभदायक होगा। आप तेल, सरसों का तेल डालो और उसमें थोड़ा सा पाउडर डालो और आजकल हाथ पांव घुटने दर्द होते हैं उन पर मालिश करिए। थैंक यू, थैंक यू। और ये मैंने मिर्ची पाउडर बनाया, ये देखो ये मिर्ची बनाई। मिर्ची में क्या करो, पहले धो दो, उसके बाद उसको थोड़ा पानी निकल जाएगा उसका, और उसके बाद उसको बीच में से फाड़ो, उसके बाद दो एक चम्मच तेल में
और उसको फ्राई कर लो, मसाला डालो, मिर्ची का अचार, मिर्ची का अचार, मिर्ची को फ्राई करनी, मतलब थोड़ा सा इसको 10-5 मिनट लगता है इसके बनाने में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप उसको बना सकते हो और मिर्ची के साथ खा सकते हो, सिर्फ किसी चीज़ के साथ खा लो, सलाद के साथ, मिर्ची के साथ। थैंक यू। ए पापा, फिर से बोला, थैंक यू बोला, थैंक यू मच। दोस्तों बन चुका है पालक पनीर उसका मेरे को। और दोस्तों ये लिया है मेरी भाभी जी, मेरी भाभी जी लिया है पालक पनीर, ठीक है, आलन प्याज का आलन, हमारे जी जी प्याज का आलन बहुत अच्छा मानते हैं, और ये रोटी और पालक पनीर, वाह। क्या ही प्याज आलन मतलब, आलन मतलब अब मैं समझ गई, यूट्यूब प्याज का आलन, ठीक छे, म्यार जी जैसे बहुत पसंद छे, तब म्यार जी जखन बड़ी ऊंची हुई, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। तो दोस्तों यार बताइए, चक्की बताइए कैसे बना हुआ है। ये जिये जी ने लिए टुकड़ा रोटी का, और ये जिये जी ने, जिये जी आप टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना हुआ है, क्या कुछ कमी पेशी जिये जी? बहुत अच्छा बना हुआ, अच्छा। और ये अब जिये जी आलम दो रोटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मंगलवार और आज सुबह हो चुकी है, मैं हूँ नैनुड़ी के साथ, मैं अपने साथ ऐसे नहीं बोलते, अच्छा जी मैं हूँ अपने नैनू के साथ, बुआ के साथ। अब आपको बच्चों, अब ये मैं अपने माइक आ रखी हूँ, ये आपको ब्रश करके दिखाएगी कैसे करते हैं ब्रश, है ना नैना? हाँ। दिखाओ जरा ब्रश करके दिखाओ। आप यार मतलब छुट्टी है तो उसका मतलब संडे होगा, ऊपर उल्टा कर ब्रश, उल्टा कर, तेरे लाइन भी खड़ी हुई, आज तो बहुत चल रहा तेरा। गुड मॉर्निंग जेरी। गुड मॉर्निंग। अभी जेरी सो के भी नहीं उठा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आ रखे हैं, आज आ रखे हैं, आपने देखा होगा इनको वीडियो में पहले भी। हाय गाइस, मैं कंचन का जीजा और ये कंचन के सुपति, मैं कंचन का जीजा और ये कंचन की संपत्ति। इधर कंचन की माता जी और इधर ये मेरी मम्मी, दीदी की सास जी, और ये मेरे दीदी की सास जी, और अब ये कर रहे हैं हमें, हम लहसुन चले, ये अब लहसुन लगाएंगे और तब इससे पत्ते होंगे तब चटनी बनाएंगे, तब इसको खाएंगे रोटी। तो आज मेरी भाभी बना रही है मेरे लिए, क्या ये भाभी गेट था परंठा, ये गेट, हाँ बोलो। आज जो है हमारी बहन जी बना रही है गेट के पराठे हमारे लिए, चटनी मक्खन मलाई परांठा, खाली थाली, खाली थाली, अरे टाइम पे होना चाहिए, वहाँ ये है हरी चटनी, अरे ये है तो साजी मलाई नहीं खा रहे, मक्खन नहीं खा रहे, तो वो खा रहे दही, दही और परांठा, हम हमें भरपूर स्वाद लेते हुए मलाई का। चलो ठीक है, अरे ये मेरी भाभी क्या उगा रहे हैं भाभी, इस तरीके से ये लहसुन उगाए जाते हैं, थका नहीं लगते आपको? वाह कितना अच्छा धोया मेरे नैनों ने पोर्च, थैंक यू। अभी तो आज भी काम है ना, और क्या काम है, अभी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, सारा काम आप ही करते हो,
आपकी मम्मी क्या करती है? मम्मी तो खेत में करती रहती है। दादी क्या करती है? दादी मेरी दादी काम करती है। क्या काम करती है दादी? मैं दादी और मेरी दादी वो करती है। क्या? मैं पानी डालती हूँ वाइपर से। वाइपर से पानी डालती दादी खेत में? हाँ ऐसे डालती है। और मम्मी क्या करती है आपकी? मेरी मम्मी खेत में। और नाश्ता कौन बनाता है? नाश्ता मेरी दादी। मैं नहीं सोती मेरी मम्मी। तो देख रहे अन्य ने दूध पी रही है, अन्य ने नहा के आई है, और ये मेरी पोती है, मेरी सी दादी। भात बनाया और ये सब्जी बना रही हूँ, हरी मिर्ची बना रही हूँ, और हमारे सब बनाने वाले हैं। बाय बाय। तो कौन चुके मत छू फिर ये लड़की हमारी आज रुक जाओ घर अब मैं क्या वीडियो में जबरदस्ती घुसने की क्यों कोशिश कर रहे हो? हैं कौन लोग हमारी साथ जी? अरे मेरा राज नहीं कंचन है वो जा रही है मैं से बात नहीं करूंगा पंचु मैं जा रही हूँ दूर तुम्हारा मैं जा रही हूँ दूर तुम आवाज तो की क्या कंचु खड़े बनाओ ये चीज है मैं जा रही हूँ दूर तुम आवाज दोगे क्या कंचू जरा चलो ठीक है ओके बाय 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 मैं जा रही हूँ जा रही हूँ मैं हमारे लिए फोन करना ओके जल्दी आना ओके 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 चलो ठीक है ठीक है बाय ठीक है बाइक में बैठ जाता फोन लेने बाद में आ जाना ब्लू पर दिखा ना क्या भैया है यार इसमें क्या है अब जीते ले लो ब्लू पर बाय करो